हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि विज्ञान के हैं और सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ सकते हैं और हमारी क्लास में जितने भी डाउट होंगे वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर के लेंस की शक्ति है। तो अगर 50 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का कोई लेंस है तो उसकी शक्ति कितनी है? ठीक है, तो अगर 50 सेंटीमीटर किसी लेंस की फोकस लंबाई है तो उसकी लेंस की जो शक्ति होती है यानी डायोप्टर होती है वो कितनी होती है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है आप सभी के सामने। अ नंबर है 1/2D, ब नंबर है 2D, स नंबर है 3D और द नंबर है 0.2D। ठीक है, तो जो फोकस लंबाई होती है लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति को हमेशा डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, डायोप्टर में लेंस की शक्ति को हमेशा मापते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर जगह आप लोग को दिख जाएगा, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंस की क्षमता है तो हम किस में मापते हैं, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। तब तक हम इसका सूत्र लिख देते हैं। इसका सूत्र क्या है? लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति शक्ति बराबर है 1/1 अपान शक्ति बराबर 1/1 फोकस लंबाई। फोकस लंबाई कैसी? मीटर में। ठीक है, 1/1 फोकस लंबाई मीटर में। तो 1/1 फोकस लंबाई मीटर में ये है शक्ति बराबर, लेंस की शक्ति बराबर। ठीक है, तो रख देना, 1 ऊपर हो जाएगा और फोकस लंबाई नीचे हो जाएगी। तो फोकस लंबाई कितनी दी है? 50 दी है। ठीक है, तो 50 दी है, मीटर में दी है, तो मीटर में तो 50 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो मीटर में बदल जाए। ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं 100 का भाग। ठीक है, तो जब 100 का भाग करेंगे तो ये 100 ऊपर आ जाएगा और तो कट जाएगा, तो 50 को हम किससे काटेंगे, 50 दूना 100। ठीक है, 50 दूना 100, तो 2D इसका आंसर हो जाएगा, यानी ब नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2D जो है फोकस लंबाई अगर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो लेंस की क्षमता कितनी है? 2D है, 2 डायोप्टर है, यानी 2 डायोप्टर होगी लेंस की क्षमता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश कैसा हो, बाह्य से कांच में प्रवेश करता हो, ब नंबर निर्वात से बाह्य में प्रवेश करता हो, बाह्य से पानी में प्रवेश करता हो, पानी से बाह्य में प्रवेश करता हो। तो क्या होगा इसका सही जवाब, क्या हो सकता है इसका सही जवाब, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो अगर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़े तो उस वस्तु से क्या हो, पूरी की पूरी प्रकाश वापस लौट जाए, यानी वह वस्तु क्या हो, चमकने लगे, दूसरे को चमकती हुई दिखाई दे, तो वही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब द नंबर होता है, द नंबर हो जाएगा, पानी से बाय में प्रवेश करता है। प्रकाश जब पानी से बाय में प्रवेश करता है तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो सकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में उदाहरण के लिए माने तो हीरे का चमकना, मरीच का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, ये सभी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है, तो पानी से अगर बाय में प्रवेश कर रहा है प्रकाश तो वहां पे चमक होगी, वहीं पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर प्रश्न है,
एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? एक गोली दर्पण है जिसकी फोकस दूरी जो है यानी f का मान कितना है? f का मान 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, f का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर है तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र हमने पढ़ा था बारहवीं में या दसवीं में पढ़ा था, f बराबर r बटे 2। क्या पढ़े थे? f बराबर r बटे 2 यानी r अपान टू। f का मान कितना होगा? r अपान 2। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो f बराबर r अपान 2, तो फोकस दूरी कितनी दी है? ये कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर हम फोकस दूरी के जगह में 20 रख दें, ठीक है, बराबर r बटे 2 कर दें, ठीक है, f बराबर r बटे 2, तो r बटे 2 तो 20 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो r का मान कितना हो जाएगा? r का मान हो जाएगा 40। ठीक है, तो गोली दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका स नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है तो 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग सबसे कम तरंग दैर्ध्य रखता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य रखता है कौन सा ऐसा रंग है? अ नंबर लाल, ब नंबर नारंगी, स नंबर बैंगनी, द नंबर नीला। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था बैजानी हैप्पी नाला, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य कौन होती है? तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है तो हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम जिसका सबसे ज़्यादा दिखाई देगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी, और जिसका स्पेक्ट्रम सबसे कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होती है? तो लाल रंग की सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसमें पूछा है सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है तो बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है, और सबसे अधिक किसकी होती है? तो सबसे अधिक जो होती है तो अधिक होती है लाल रंग की। ठीक है, सबसे अधिक लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, जबकि सबसे अधिक जो है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, लेकिन सबसे कम जो है बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है, उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस सही कर सकता है? उचित फोकस दूरी के जो एक उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस क्या सही कर सकता है? निकट दृष्टि दोष, ब नंबर दूर दृष्टि दोष, स नंबर जरा दृष्टि दोष, द नंबर है एस्टिगमेटिज में दृष्टि दोष। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा सही जो जवाब हो जाएगा? उत्तल लेंस किसको सही कर सकता है? ठीक है, तो इसका ब नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष जो है दूर दृष्टि दोष को ही दूर कर सकता है, यानी दूर दृष्टि दोष को हटा सकता है कौन? उत्तल लेंस का चश्मा अगर हम पहनते हैं। ठीक है, तो अगर उत्तल लेंस का चश्मा पहनते हैं तो हमारी कौन सी दृष्टि दोष दूर होगी? दूर दृष्टि दोष दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार का होता है, तो बिंब की स्थित होनी चाहिए। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बिंब के आकार के होता है, तो बिंब की स्थित कहाँ पर होगी? ठीक है, तो बिंब की स्थित कहाँ पे होगी? ठीक है, तो यह जो है सी पर होगी, यानी सेंट्रल पर होगी। बिंब की स्थित कहाँ पे होगी? सेंट्रल पर होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक बिंब को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि एक वास्तविक उल्टा और बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए बने? यानी कि बिंब को हम कहाँ पर रखें, यानी वस्तु को कहाँ पर रखें कि उसका जो प्रतिबिंब है उत्तल लेंस का प्रयोग करें तो वास्तविक बने और उल्टा और बहुत बड़े आकार का बने। ठीक है, तो हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो वास्तविक उल्टा और बहुत वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा, यानी छोटी सी वस्तु बड़ी हो जाएगी और उसका जो है वास्तविक बनेगा
और उल्ट आकार कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ पर रखें हम, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब अ नंबर सही जवाब हो जाएगा कि अगर हम फोकस दूरी पर रखते हैं वस्तु को तो उसका जो है उल्टा बनेगा, वस्तु का आकार उल्टा और आकार जो है बड़ा बनेगा और वास्तविक वस्तु बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़े आकार का बनेगा। कब बनेगा, जब हम वस्तु को फोकस दूरी पर रखेंगे, कहाँ किस में, किस लेंस में, तो उत्तल लेंस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है, मध्य में अधिक मोटा, किनारों पर अधिक पतला, ब नंबर अपसारी, स नंबर किनारों पर अधिक मोटा, मध्य में अधिक पतला, द नंबर सभी ही जगहों पर एक समान मोटा। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, उत्तल लेंस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस होता है ये अ नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य में अधिक मोटा, मध्य में अधिक मोटा और किनारों पर अधिक पतला। ठीक है, किनारों पर पतला यानी किनारों पर पतला होता है और मध्य में अधिक मोटा होता है उत्तल लेंस। मतलब बात करें तो ऐसा ये ऐसा बना रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे मोटा है और यहाँ किनारे किनारे क्या है, किनारे किनारे पतला है और बीच में मोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और अगर जस्ट ऐसा होता, बीच में पतला होता और किनारे किनारे मोटा होता, ये होता अवतल लेंस होता। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित किया जाता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित किया जाता है किसमें, माइक्रोन में, फर्मी में, एंगस्ट्रॉम में, प्रकाश वर्ष में, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम स नंबर बता सकते हैं कि स नंबर सही है, कौन सा, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम के ऊपर एक ऐसे बिंदु करके लगा रहता है ना, डिग्री जैसे एंगस्ट्रॉम के ऊपर लगा रहता है। एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रदर्शित वही वाला है, चलो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो दर्पण होगा, यदि दर्पण की फोकस दूरी जो है -20 सेंटीमीटर है, दर्पण कैसा होगा, अ नंबर समतल, ब नंबर उत्तल, स नंबर अवतल, द नंबर समतल बुतल, समतलावतल। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, यदि दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, अगर दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, वह दर्पण किस प्रकार का हो सकता है, तो चलिए आप लोग बताइए कि किस प्रकार का वह दर्पण हो सकता है। ठीक है, तो स नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यदि दर्पण की फोकस दूरी जो है -20 सेंटीमीटर है तो वह अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण क्यों होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, फोकस दूरी या बराबर हमेशा माइनस में होती है, माइनस चिन्ह में होती है, इसीलिए अवतल दर्पण होगा। अगर प्लस में फोकस दूरी होती तो वहाँ पे उत्तल दर्पण होता, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी माइनस में होती है। ठीक है, और समतल दर्पण की फोकस दूरी जीरो होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी जीरो होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, -20 है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ठीक है, अ नंबर है लाल, पीला, नीला, ब नंबर है हरा, नीला, लाल, स नंबर है लाल, हरा, नीला, द नंबर है लाल, हरा, पीला। तो प्रकाश का वास्तविक जो प्रकाश के प्राथमिक रंग है, तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, चलिए बताइए प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो लाल, हरा और नीला, लाल, हरा, नीला, ये वस्तु के क्या हैं, प्रकाश के क्या हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। ठीक है, लाल, हरा और नीला ये क्या हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है,
ठीक है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, सोलर विकिरण किससे बना होता है। सोलर विकिरण जो है, सोलर विकिरण यानी जिसमें हम खाना पीना बनाते हैं, सोलर एनर्जी जिसमें होती है, वह किसका बना होता है। सोलर विकिरण किसका बना होता है, ठीक है। अ नंबर है यूवी, ब नंबर है दृश्य प्रकाश, स नंबर है अभ्रक, द नंबर है उपरोक्त सभी। तो सोलर विकिरण किसका बना होता है बताइए, सोलर विकिरण किसका बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूवी से, दृश्य प्रकाश से और अभ्रक से, तीनों को मिलाकर जो है सोलर विकिरण बना होता है, यानी तीनों से बन सकता है, ठीक है। सोलर विकिरण तीनों से बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं तो बनने वाले की संख्या है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या है, यहाँ पे एक छोटा सा छूट गया होगा, हाँ बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या है, ठीक है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए, दो समतल दर्पण हो गए, यहाँ पे एक समतल दर्पण, यहाँ पे समतल दर्पण, एक दूसरे के समांतर रखे हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या हो गई। दो समतल दर्पण हैं तो कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनंत होगी, यानी अनंत इधर भी बनेगा और अनंत इधर भी बनेगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आ जाता है तो इधर भी अनंत बनेगा, इधर भी अनंत बनेगा, यानी बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनंत होगी, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक तरंग दैर्ध्य की लंबाई 4×10⁻⁷ है मीटर से 7×10⁻⁷ मीटर दिखाई देती है। एक तरंग दैर्ध्य की लंबाई 4×10⁻⁷ मीटर से लेकर 7×10⁻⁷ तक होती है, तो यह कैसी होती है। अ नंबर प्रवैगनी किरण, ब नंबर अवरक्त किरण, स नंबर दृश्य प्रकाश, द नंबर एक्स किरण, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा स नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स नंबर, यानी दृश्य प्रकाश की, यानी 4×10⁻⁷ से लेकर के 7×10⁻⁷ तक होती है, कौन होती है, तो दृश्य प्रकाश किरणें होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि एक प्रकाश की विकिरण समतल दर्पण पर 20 डिग्री पर टकराती है तो इसका परावर्तन कोण होगा। यदि एक प्रकाश की किरण जो है समतल दर्पण पर 20 डिग्री में टकराती है, ठीक है, एक समतल दर्पण पर 20 डिग्री में टकराती है तो उस पर क्या होगा, इसका परावर्तन कोण कितना होगा। जैसे मान लो कोई समतल दर्पण यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे एक समतल दर्पण रखा गया है, समतल दर्पण पर 20 डिग्री से कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, कोई प्रकाश की किरण 20 डिग्री से टकराती है, ठीक है, अगर 20 डिग्री से टकराती है, ठीक है ना, 20 डिग्री से टकराती है तो इसका परावर्तन कोण कितना बनेगा, इसका परावर्तन कोण कितना बनेगा बताइए। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण 20 डिग्री से टकराती है, देखिए यहाँ पे अगर 20 डिग्री से टकराती है, ये हो गई प्रकाश की किरण 20 डिग्री से टकराती है, तो 20 डिग्री से टकराती है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो 20 डिग्री यहाँ पे 20 डिग्री से टकराई है तो यहाँ से यहाँ के बीच होना चाहिए कितना, टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ के बीच 90 डिग्री होना चाहिए, तो 20 डिग्री माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 20 हो जाएगा, तो 20 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो यानी 70 होगा। इधर से टकराई तो 20 डिग्री पर टकराई तो यहाँ पे आपतन कोण कितने का बना, 70 का बना, तो आपतन कोण 70 का बना तो परावर्तन कोण भी कितने का बन जाएगा, तो परावर्तन कोण भी कितने का बनेगा, तो 70 का बनेगा, है ना। आपतन कोण जितने का बनता है उतने का ही परावर्तन कोण बनता है, तो 20 डिग्री से टकराई है तो 90 में 20 घटा देंगे
बचेगा 70, तो 70 हो गई आपतन कोण, तो जो परावर्तन कोण है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, यानी परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, परावर्तन कोण जो है हो जाएगा कितने का, परावर्तन कोण 70 डिग्री का हो जाएगा, यानी ब नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ब नंबर बिल्कुल क्या हो जाए, सही जवाब होगा। ठीक है, वही प्रश्न है, अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य मनुष्य की, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो सामान्य मनुष्य की जो नेत्र की क्षमता है कितनी दूरी तक मनुष्य दे सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल 25 सेंटीमीटर तक मनुष्य दे सकता है। जो सामान्य मनुष्य की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सामान्य मनुष्य की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, चलचित्र में किसका उपयोग होता है, चलचित्र में किसका उपयोग होता है, चलचित्र माने तो क्या, सिनेमा। ठीक है, तो सिनेमा में किसका प्रयोग होता है, समंजन का, दृष्टि निर्बंध का, दूरबिंदु का, निकट बिंदु का। ठीक है, तो चलचित्र में किसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ब नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दृष्टि निर्बंध। चलचित्र में किसका उपयोग होता है, दृष्टि निर्बंध का उपयोग होता है, दृष्टि निर्बंध का उपयोग होता है, यानी चलचित्र में जो होते हैं सिनेमा वगैरह उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं, यानी दृष्टि निर्बंध होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तो आकाश का रंग होगा, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तो आकाश का रंग कैसा होगा, अ नंबर गहरा नीला, ब नंबर काला, स नंबर लाल, द नंबर सफ़ेद। तो किस प्रकार का होगा, यदि वायुमंडल पृथ्वी में नहीं है तो प्रकाश, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं है तो आकाश कैसा दिखाई दे, यानी अगर वायुमंडल नहीं होता तो अगर हम पृथ्वी से देखते हैं आकाश को तो हमें किस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, तो किस प्रकार का दिखाई देगा, ब नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल काला दिखाई देगा, है ना, बिल्कुल काला दिखाई देगा, यानी काला काला दिखाई देगा वायुमंडल। कहाँ से दिखाई देगा, अगर हम पृथ्वी से देखेंगे, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखता, बिल्कुल काला दिखता। ठीक है, चलिए 21वां नंबर प्रश्न है, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण कर पर गिरने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन होने पर किस कोण से विचलित होती है। एक समतल दर्पण है यहाँ पे, ठीक है, और समतल दर्पण पर प्रकाश जो है 30 डिग्री के कोण से गिरता है। ठीक है, तो यह पूछा है कि परावर्तन होने पर किस कोण से विचलित होती है, यानी परावर्तन कोण कितने का होगा, यहाँ पे गिरती है कितने से, 30 से, और पूछा है कि परावर्तन कोण कितने का होगा, यानी परावर्तन कितने डिग्री से करती है। ठीक है, चलिए तो इसको बताइए, इसका क्या होगा, सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए बताइए क्या हो सकता है, ठीक है, परावर्तन होने पर किस कोण से विचलित होती है। अच्छा, यहाँ पे विचलन कोण पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे विचलन, परावर्तन कोण नहीं पूछा गया, परावर्तन होने के बाद विचलन कोण पूछा गया है। ठीक है, तो विचलन कोण पूछा गया है इसका, तो विचलन कोण होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 30 डिग्री से आती है तो यहाँ सीधे, यहाँ तो यहाँ इधर वाला जो है, इधर वाला ये विचलन कोण होगा। ठीक है, यहाँ से विचलित हुई है ना, यहाँ से टकराने के बाद इधर विचलित हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे टकराने के बाद विचलित हुई है, तो यहाँ से सीधे आई है और यहाँ टकराई है, तो टकराने के बाद जो है, टकराने के बाद निकल गई है, तो टकराने के बाद निकल गई है, ठीक है ना, तो टकराने के बाद निकल गई है, तो यहाँ से सीधे विचलित हुई है ना, मतलब यहाँ से 30 डिग्री है, तो जब यहाँ से 30 डिग्री है तो यहाँ टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, तो जब आपतन कोण 60 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण भी यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री यहाँ, 60 डिग्री यहाँ और 60 डिग्री यहाँ। ठीक है, तो विचलन कोण पूछा हुआ है, विचलन कोण इसका पूछा हुआ है,
तो यहाँ से यहाँ के बीच इसका होगा विचलन कोण, ये है विचलन कोण। तो 60 + 60 तो विचलन कोण कितने को हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, यानी विचलित होती है। पूछा है कितने कोण से विचलित होती है, तो यह विचलित होती है 120 डिग्री से विचलित होती है। सो सा नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री से यह क्या होती है, विचलित होती है। यदि समतल दर्पण पर 30 डिग्री के कोण से टकराती है और लौटती है, तो 30 डिग्री से टकराती है तो 60 डिग्री जो है आपतन कोण हो गया और 60 डिग्री परावर्तन कोण हो गया। अब 60 डिग्री तो आपतन परावर्तन हो गया, तो यहाँ समतल दर्पण से विचलित हुई है ना, तो जितने से विचलित हुई है वह भी कोण विचलन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों मिला के यह कोण कितने का हुआ, 120 डिग्री, यानी सा नंबर बिल्कुल सही जवाब हुआ, 120 डिग्री विचलित होती है। ठीक है ना, 120 डिग्री विचलित होती है। अगर टोटल की बात करें तो टोटल कोण होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री टोटल होता है, इसमें से 120 डिग्री जो है विचलित कोण होती है। ठीक है, तो आज का सवाल यहीं पर लास्ट होता है और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, है ना।